18 दिसंबर को होने वाले लखनऊ के सफेदाबाद में कायस्थ महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में बुधवार को मीडिया से रूबरू होते हुए जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि कायस्थ समाज ने आज़ादी के पहले से देश के प्रति समर्पण एवं त्याग की भूमिका निभाई है। देश की आज़ादी में समाज के कई सपूतों ने अपना बलिदान दिया है। कायस्थ समाज एक प्रबुद्ध वर्ग माना जाता है, परंतु समस्त राजनीतिक दल कायस्थ समाज के साथ उपेक्षा एवं छलावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कायस्थ समाज की संख्या 1.5 करोड़ है और 5 दर्जन सीटों पर समाज हार जीत तय करता है, परंतु राज्यसभा या विधान परिषद में हमारी भागीदारी 0 है। उन्होंने कहा कि कायस्थ समाज अब अपने अस्तित्व की लड़ाई खुद लड़ेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चित्रगुप्त मंदिर के अध्यक्ष सत्यव्रत लाल श्रीवास्तव एवं जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा, इसमें नीचे लिखा हुआ है, ये लेते जाइए, इसमें नीचे मेरा नाम नंबर भी। दिनांक 18 दिसंबर को लखनऊ बाराबंकी हाईवे NH 27 पर समृद्धि लॉन एंड रिजॉर्ट्स है, जहां पर कायस्थ महासम्मेलन होने जा रहा है। गोरखपुर चित्रगुप्त सभा के अध्यक्ष जी और जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, मेरे साथ साथ हम दोनों लोग शहर के सम्मानित कायस्थ समाज के माताओं बहनों पिता तुल्य अभिभावक गण और समस्त युवाओं से ये अपील करना चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी चीज़ है कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज के नेतृत्व में ही ये कार्यक्रम रखा गया है और समस्त राजनीतिक दलों के कायस्थ पदाधिकारी के साथ साथ समस्त कार्यकर्ता गण इसमें शिरकत करेंगे और भगवान श्री चित्रगुप्त जी को साक्षी के अतिथित्व में साक्षी मानते हुए हम सब लोग मनन चिंतन करेंगे कि आने वाले 2022 की विधानसभा चुनाव में कायस्थ समाज की राजनीतिक रणनीति क्या होगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज़्यादा कायस्थ समाज की संख्या है और आज कायस्थ समाज मांग करता है कि जिस तरीके से हमारी संख्या है उसी हिसाब से हमारी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए टिकटों में, राज्यसभा में, विधान परिषद में और लोकसभा के चुनाव में भी। निश्चित रूप से समस्त सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष लोग हमारे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम ही दिया गया है कायस्थ महासम्मेलन 2021 और उस मंच से सारे दलों के कायस्थ नेतागण आपस में मिल बैठकर ये तय करेंगे कि हम लोगों को की अगली रणनीति क्या होगी। निश्चित रूप से ये उस दिन की रणनीति के बाद ही कुछ कहना उचित होगा। श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा की भूमिका ये है कि बतौर अध्यक्ष हम सारी समितियों को, अध्यक्षों को, मंत्रीगण को आमंत्रित किए और उनसे वार्ता किए हैं कि इस कुंभ में जो सफेदाबाद लखनऊ में होने जा रहा है 18 तारीख को, वहाँ सारे लोग महासम्मेलन और उस महासम्मेलन में लाखों की संख्या में लोग पहुँचे और उसकी व्यवस्था की गई है और मुझे उम्मीद है वहाँ लाखों लोग पहुँचेंगे और उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। मैं सत्यव्रत लाल श्रीवास्तव, चित्रगुप्त सभा अध्यक्ष, गोरखपुर। प्रेस वार्ता आज कायस्थ महासम्मेलन 18 दिसंबर 2021 दिन शनिवार सफेदाबाद लखनऊ में होने वाले की उस प्रेस में उसमें उसी स्थिति में हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं और हम चित्रगुप्त मंदिर सभा अनिल श्रीवास्तव, सत्यव्रत लाल श्रीवास्तव अध्यक्ष, चित्रगुप्त मंदिर सभा
ये लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि उसमें लाखों लोगों की संख्या में इकट्ठा हुए, और ये पहला हमारा सम्मेलन है, महासम्मेलन है, जिसमें हम लोग मुख्य अतिथि हमारे स्वयं श्री चित्रकूट महाराज जी हैं। इस सम्मेलन में कोई राजनीतिक पार्टी भी नहीं? हमारा ध्येय तो यही है कि राजनीतिक पार्टियां इस बात का एहसास करें कि अगर कायस्थों की उपेक्षा करेंगे तो हम लोग एक अपना कोई न कोई कैंडिडेट खड़ा करेंगे, क्योंकि 1.5 करोड़ की हमारी जनसंख्या है और जनसंख्या के तहत हमारी भागीदारी नहीं हो रही है। आज हमारी उपेक्षा का कारण है कि हम लोग कायस्थ जन इकट्ठा होकर के इनको एहसास दिलाएंगे कि अगर हमें आप अपने राजनीतिक पार्टियों में सहभागिता नहीं बनाएंगे तो हम लोग अपनी पार्टी खड़ा कर देंगे और अपना कैंडिडेट लड़ाएंगे।